हल्द्वानी के बनभूलपुरा लाइन नंबर 8 और 12 में बिना परमिशन के बन रहे अवैध निर्माण पर कुमाऊं कमिश्नर और आईजी कुमाऊं ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने अवैध रूप से निर्माण होता देख नगर निगम और प्राधिकरण के अधिकारियों को फटकार भी लगाई, साथ ही स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि उनके द्वारा छापेमारी में न सिर्फ अवैध निर्माण होना पाया गया बल्कि 4 मंजिला भवन के नीचे बने बेसमेंट के आरबीएम को भी बेचा गया है। कुमाऊं कमिश्नर ने मौके पर ही तत्काल अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नगर निगम और प्राधिकरण की टीम ने अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए जेसीबी चलाई तो मौके पर भारी विरोध भी हुआ, जिसको देखते हुए कमिश्नर ने सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध निर्माण करने और आरबीएम चोरी करने के बेचने पर भी मुकदमा दर्ज करने को कहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बनभूलपुरा में लाइन नंबर 8 और 12 की ये शिकायत थी कि दो बड़े व्यावसायिक भवन 4 मंजिला वहाँ पे बने हैं और यही नहीं, इसमें बेसमेंट में भी खुदाई हुई है और बेसमेंट में जो आरबीएम है उसको बेचा गया है, उससे भी इनकम अर्जित की गई है और किसी तरह का कोई नक्शा भी पास नहीं हुआ है। ये सूचना आने के उपरांत प्राधिकरण की टीम, पुलिस, सभी लोग वहाँ पर पहुँचे और इनका पता चला है कि चालान भी नहीं हुआ है। एक में चालान हुआ है, सील हुआ था, लेकिन सीलिंग के बाद भी काम चलता रहा।